ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब होता क्या है कि डैम पे एसी डायनमो लगा हुआ है। एसी डायनमो में आपने देखा वो कॉइल घूमती है तो करंट पैदा होता है और वोल्टेज पैदा होती है, साइनोसाइडल इज ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने किया हुआ है। अब डैम से लेके हमारे घर तक जो बिजली आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट्स आ रही है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही है, अपनी वैल्यू को हर इंस्टेंट पर क्या करती है, चेंज करती है। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा डैम तो यहाँ से बहुत किलोमीटर दूर है, मोटी मोटी तारें लगी हुई हैं, तो जब आप मान लो वहाँ पर 220 वोल्ट जनरेट करेंगे आपकी जो मोटी मोटी वायर हैं उसमें बहुत हाई पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाएगा। मान लो 200 वोल्ट का हो गया, जैसे इमेजिन कर रहा हूँ एक फिगर के साथ, आपके घर में क्या मिला 20 वोल्ट, 20 वोल्ट में कुछ नहीं ऑन होता, राइट? तो आपके घरों में जो अप्लाइंसेज हैं उसमें 220 वोल्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, हर गली गली में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डैम से लेके यहाँ तक ट्रांसफार्मर ही ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। पहला ट्रांसफार्मर डैम पे लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट 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 ट्रांसफार्मर ही ट्रांसफार्मर हर जगह लगे हुए हैं और बिजली शहरों तक या पूरे सिटीज तक यहाँ तक ऐसे आती है। क्यों? क्योंकि रास्ते में पोटेंशियल ड्रॉप होना ही होना है। तो ट्रांसफार्मर अगर मान लो 2 वोल्ट वोल्टेज रह गई सिर्फ, ऑल्टरनेटिंग डीसी नहीं, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, ये नहीं है आप मार्केट से एक सेल ले आए 5 वोल्ट का, आपने कहा कि 50 वोल्ट करके दिखा दो, वो नहीं होगा। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस अप हो जाती हैं या डाउन भी हो जाती हैं। तो 2 वोल्ट अगर आपके पास रहेगी वो वापस से 220 भी कर देगा, और अगर पीछे से वोल्टेज गलती से ज़्यादा आ गई, 440 आ गई, ये वापस 220 भी कर देगा। मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा को कम कर देगा, ये इसका काम है। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करता है, ये डीसी पे काम नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? तो ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली है क्या, एक लोहा है, ट्रांसफार्मर का कोर बोलते हैं इसे, कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये डैम है, मतलब डैम क्या, पीछे से बिजली जो आ रही है वो ऐसे टर्न्स लगा रखे होते हैं हमने, तो करंट एक बार ऐसे घूमता है एक बार ऐसे घूमता है, ऑल्टरनेटिंग है, और ऐसे ही बिल्कुल साथ में और नंबर ऑफ टर्न लगा रखे हैं। और ये हमारे घरों तक जो है इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज आ रही है, घरों में अप्लाइंसेज लगे हुए हैं जिसकी कोई रेजिस्टेंस है, इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस कहाँ पर लगी होती है, आउटपुट में, हमारे घरों में, ठीक है? इस सेक्शन को बोलते हैं प्राइमरी, इस सेक्शन को बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी से वोल्टेज कम या ज़्यादा आ रही है और सेकेंडरी में हमारे घरों तक आ रही है, ठीक है? तो ये प्राइमरी सेक्शन, ये सेकेंडरी सेक्शन, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। तो ट्रांसफार्मर जब क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे लिखना है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर करता क्या है। तो हाँ, ट्रांसफार्मर तोड़ के देखोगे जो स्टेपलाइजर्स हैं, ये स्टेपलाइजर एसी के साथ लगे हुए हैं, ये भी छोटा ट्रांसफार्मर है। अगर 160 वोल्ट अगर मान लो ट्रांसफार्मर बाहर का नहीं सही काम कर रहा या हर बंदे ने एसी ऑन किया हुआ है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है अगेन फिर से। तो हमारे घरों में स्टेपलाइजर्स हैं जो 160 वोल्ट को वापस 220 कर देते हैं, और कभी कभी आपने डिजिटल देखा होगा 240 को 220 करता है, तो वो डिजिटल दिखाता है 220 वोल्टेज आ रही है। तो बेसिकली क्या है, अंदर से ये होता है, वाइंडिंग्स होती हैं, तारें होती हैं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, ये इतनी पास होती हैं कि इसका जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसका ऑटोमेटिकली फ्लक्स चेंज हो जाता है बाई म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब करंट हम इसमें पास करते हैं, चेंजिंग करंट इसमें ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारे घरों में इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ पहुंचती है, ठीक? तो सबसे पहले क्या लिखना है आपने, ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, करेक्शन करो, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर चेंजिंग एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को चेंज करने के काम आता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेज एसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर विच डिक्रीजेज एसी वोल्टेज को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक? डायग्राम बना लेना है। प्रिंसिपल क्या है इसका, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज वेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, चेंजेस करना है इसे, चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। तो अगर एक कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो पड़ोस की कॉइल का ईएमएफ जनरेट हो ही जाएगी, ठीक है यहां तक? उसके बाद आपने इसमें लिखनी है वर्किंग, तो चाहो तो वर्किंग मेरे साथ साथ लिख लो अपने कॉपी में, रजिस्टर में, हैंड रिटन, इसमें एनसीईआरटी की बुकलेट में खाली पेज होगा वहां पे लिख लेना वर्किंग। तो वर्किंग में आपने ऐसे लिखना है, वैसे तो लिखा भी हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर से लिख लो एक बार। वर्किंग में ये लिखना है कि जो प्राइमरी सेक्शन है वो लेफ्ट वाला होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, सेकेंडरी में इंड्यूस होके जाती है।
तो प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स है वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इनटू डी फाई बाई डी टी। ये इंड्यूस ईएमएफ निकालने का तरीका था, हमने फैराडेज लॉ से सीखा था, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स जो ईएमएफ होगी वो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डी फाई बाई डी टी। ये लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में और सेकेंडरी में सेम होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी प्राइमरी सेकेंडरी में सेम होता है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर वन है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू है। आपके बुकलेट में या कई बुक्स में यहाँ ये छोटा एन और छोटा एन गिवन होता है। छोटे एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स ही है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स लिया जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं लिया जाता। तो ये चाहे छोटा यूज करो एन या चाहे बड़ा यूज करो, नंबर ऑफ टर्न्स है। क्लियर है यहाँ तक? तो डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बिल्कुल सेम होता है प्राइमरी सेकेंडरी में। आइडल ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है, आइडल ट्रांसफॉर्मर का मतलब है कि वो इतनी पास है दोनों कॉइल्स कि अगर एक का फ्लक्स जितना चेंज होगा सेकेंड का उतना ही चेंज होगा। हाँ, प्रैक्टिकली उतना हो नहीं पाता, बात अलग है, लेकिन हम यहाँ मानते हैं कि सेम होता है। तो इक्वेशन नंबर टू और वन को आप डिवाइड कर लें तो ई एस डिवाइडेड बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। ये आपका पहला फॉर्मूला, इसे प्लीज अपने बुकलेट के अंदर भी नोट करें, फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें। टॉपिक ट्रांसफॉर्मर, तो फॉर्मूला लिखें ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक, ठीक है। तो ये टर्म आ गई इसमें। अब देखो ये काम कैसे करता है, आप देखो कि अगर एग्जांपल के साथ ले रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कि सपोज करो आपके पास पीछे से प्राइमरी में सिर्फ दो वोल्ट आ रहे हैं, तो प्राइमरी में सिर्फ दो वोल्ट आ रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स मान लो सेकेंडरी में आपने 100 कर दिए और यहाँ पर आपने 10 कर दिए। ये आपके हाथ में, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने आपके हाथ में है, तो ऑब्वियसली दो का आपने कितने वोल्ट बना लिया, 20 वोल्ट। और सोचो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप सेकेंडरी में 1000 कर लें तो दो वोल्ट का कितने वोल्ट हो गया, 200 वोल्ट। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपनी सेकेंडरी वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? सारी गेम किसकी है, नंबर ऑफ टर्न्स की गेम, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसके अंदर आपने क्या किया, ये रेशियो आ गई आपके पास। अब अगर आपका ट्रांसफॉर्मर, इफ ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, तो अगर आपका ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, यानी कि एफिशिएंसी 100% है, एफिशिएंसी का मतलब है कि इनपुट पावर जो भी आ रही है और जो आउटपुट पावर है वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि एफिशिएंसी होती क्या है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अगर 100% एफिशिएंट है तो इनपुट और आउटपुट की पावर सेम है। तो इनपुट पावर क्या है, इनपुट में कौन होता है, प्राइमरी ईपी आईपी, आउटपुट में क्या है, ईएस आईएस। तो लिखो, तो अगर ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है ये फॉर्मूला वैलिड है, पर अगर 100% एफिशिएंट नहीं है तो मत लगाना ये फॉर्मूला। 100% एफिशिएंट में इनपुट और आउटपुट पावर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है यहां तक? ठीक, तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब 100% एफिशिएंट है। लेकिन आपको पता है कि ई एस बाई ई पी की रेशियो किसके इक्वल है, एन एस बाई एन पी। तो प्लीज़ ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, नहीं तो नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, जब मर्जी लगा लेना।
ठीक है यहाँ तक। अब इसमें जो हमने ये रेशियो लिखी थी, या ऐसा लिख लेते हैं, अगर आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब ईटा इज दी एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर 100% नहीं है तो आउटपुट में कौन है, सेकेंडरी, इनपुट में कौन है, प्राइमरी। तो ये फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे अगर आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं है तो। लिखें 100% एफिशिएंट है फिर तो बराबर हो गया इनपुट आउटपुट, अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा। लिखें ठीक है यहाँ तक, तो ये लिखना है। और नेक्स्ट हमने भी फॉर्मूला किया था, ES by EP is equal to NS by NP, और इसकी रेशियो को लिखा जाता है K। K का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में क्या होता है, अगर K greater than 1 है, अगर K greater than 1 है तो इसका मतलब ES is greater than EP। अगर ये greater than 1 है तो ES बड़ा है EP से, इसको इसका मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ी है, प्राइमरी में छोटी थी, प्राइमरी में कम गई थी, सेकेंडरी में ज़्यादा आ रही है। इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर K की वैल्यू लेस देन 1 है, सेकेंडरी की वोल्टेज कम है प्राइमरी से, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ तक तो अपनी इस बुकलेट को ओपन कर सकते हैं, एनसीईआरटी वाली बुकलेट जो है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में सब लिखा हुआ है, इसमें प्रिंसिपल थ्योरी ये सब आपके बुकलेट में लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सब कुछ के बने। ठीक है, और एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपके पेपर के अंदर कभी कभी वो क्या करेगा, इंस्टेड की ट्रांसफार्मर की थ्योरी दे, वो कहेगा डिस्कस लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो पहला लॉस है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, अंदर वायर्स होती हैं, वायर कॉपर की होती है, जब कॉपर की वायर में करंट जाता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से वायर गर्म हो जाती है, उसको कॉपर लॉस बोलते हैं। यानी कि कॉपर का लॉस हो गया, हीट लॉस इन कॉपर को कॉपर लॉस बोलते हैं।
नेक्स्ट है आयरन लॉस। आयरन लॉस में क्या होता है, जो लोहे ट्रांसफार्मर का कोर जहाँ वायर बंधी होती हैं उसमें क्या होता है, उसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाते हैं, हमने डिस्कस किया था, तो वो लोहा गर्म हो जाता है एडी करंट से, उसको आयरन लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो प्राइमरी में है वो कई बार सेकेंडरी को मिल नहीं पाता, क्योंकि थोड़ा दूर होता है सेकेंडरी, तो पूरी तरह मिल नहीं पाता, इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि बीच में आयरन का कोर भी उसको यूज करता है। नेक्स्ट है हिस्टैरिसिस लॉस। याद है वो मैग्नेट डी मैग्नेट, मैग्नेट डी मैग्नेट, तो गर्म हो जाता है लोहा, हिस्टैरिसिस लॉस। लास्ट है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन या हमिंग नॉइस, आवाज करता है ट्रांसफॉर्मर, हमिंग नॉइस, तो नॉइस का लॉस मैग्नेटोस्ट्रिक्शन या इसका लॉस है। यूजेज टीवी, रेफ्रिजरेटर या ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज में काम आता है ट्रांसफॉर्मर, ये हमने किया हुआ है। नीड ऑफ लेमिनेटेड कोर, लेमिनेशन क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस एडी करंट्स, याद है लेमिनेशन कर करके एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है, इसलिए लेमिनेटेड कोर्स की जरूरत है हमें ट्रांसफॉर्मर में, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है।